बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए एक अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। उसको भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चों को बता सकते हैं। तो देखो बच्चों अब ये प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 20 हम करने वाले हैं। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो एरिया ABC। बच्चों यहाँ पर मिस प्रिंट था, मैंने ABC लिख दिया है। इक्वल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए मेडियन AEE ड्रॉन इन इट। ये AE क्या है? मेडियन है जो ABC ट्रायंगल पे ड्रॉ की गई है। इफ BP इज द मेडियन ऑफ ट्रायंगल ABE, और यहाँ पर ABE एक ट्रायंगल और BP यहाँ पर एक मेडियन खींचा गया है, ड्रॉन किया गया है, देन फाइंड द एरिया ट्रायंगल ABP। तो ABP का एरिया में फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी है, पहले क्वेश्चन से ईजी है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर अब देखो यहाँ पर लिखा है एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हाँ ओरली मैं आपको बता देता हूँ। देखो पूरे का एरिया क्या है? 32। अब ये मेडियन क्या है? इसके ट्रायंगल को ABC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यानी 32 का ये दोनों 32 हो गए, तो हाफ कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 यानी ABE का एरिया आ गया 16। तो अब BP मेडियन द्वारा इस 16 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो ये आ गया 8। 8 इधर है, 8 इधर है, तभी तो 16 बना। तो ABP का एरिया आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ओरली कर सकते हैं। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AE इज ए मेडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये मीडियन है। तो इसका मतलब एरिया यहाँ पर ABE इक्वल होगा एरिया हाफ ट्रायंगल ABC के, ठीक है, समझ में आया, ये हाफ के इक्वल होगा, यानी ABE इक्वल होगा ACE के, या ABE इक्वल होगा ABC के हाफ के इक्वल, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो ए मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है, ये आ गया। तो आपको ये याद रखना है भाई, इक्वल कर देगी, लेकिन जब हाफ की बारी आएगी ABE तो ये ABC का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मेंटल मैथ है, अदरवाइज मैं आपको यहां पर करके दिखाता कि हाफ कैसे आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये इक्वेशन हो गई 1। अब यहां पर अब बच्चों अब BP यहां पर लिख देते हैं, BP इज ए मेडियन ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE, क्योंकि हमें ऊपर वाला फाइंड करना है तो ऊपर वाला फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहां पर तो एरिया ABP, ठीक है, एरिया ABP इक्वल होगा हाफ एरिया, यहां पर एरिया इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ABE के, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आया, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पर हमें यही फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया ABP इक्वल है हाफ एरिया यहाँ पर इनटू का साइन लगाएंगे, और ABE किसके इक्वल आ रहा है? हाफ ABC के। तो इसकी जगह ABE की जगह AB की जगह क्या लिखा जा सकता है? हाफ ABC लिख सकते हैं, 1/2, और यहाँ पर ABC, और एरिया मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आ गया। आप देखो
एरिया ए बी पी इक्वल 1, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू ए बी सी। ए बी सी का एरिया बच्चों अब आपको मालूम होना चाहिए क्या है, देखो यहाँ पर गिवन है 32, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 32, तो 4 से 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। तो ए बी पी इक्वल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से प्रैक्टिस करके दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।